आसमान नजारे हैं यहाँ आ गए हम देखो चारों तरफ जो है वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आरबी ब्लॉग। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के इस महीने में भोले बाबा के दर्शन तो बनते हैं, तो हम निकल पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन करने। जो वैसे तो महाराष्ट्र में जैसे कि आप जानते हो कि तीन ज्योतिर्लिंग है, पहला है त्र्यंबकेश्वर, दूसरा है भीमा शंकर और तीसरा है घृणेश्वर। जो त्र्यंबकेश्वर है वो पड़ता है नासिक के पास और भीमा शंकर जो है ये है पुणे के पास और घृणेश्वर जो है ये है औरंगाबाद के पास। तो इन तीनों ज्योतिर्लिंगों में से हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम इस एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी हम हैं इस वक्त खपोली, यहाँ पर एक फेमस वड़ा पाव का ढाबा है, यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। और इस राइड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चचा और अरविंद। अरविंद जो है हमारे साथ जो बिहार लेक के ट्रिप था उसमें अरविंद हमारे साथ थे और इस महादेव के दर्शन में भी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लेते हैं महादेव का नाम और फिर बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। ये है हमारी शर्मिली और उस पर लगा हुआ बाबा महादेव का झंडा। महादेव के दर्शन के लिए ये जर्नी हमने सुबह 5:30 बजे से ही शुरू कर दी थी। सुबह काफ़ी अंधेरा और हल्की बारिश थी। इस जर्नी में हमारे साथ और 3 लोग आने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना जिसको महादेव का बुलावा होता है वही उन तक पहुँचता है। किसी न किसी वजह से उन तीनों का आना कैंसिल हो गया। आप अगर मुंबई से हैं तो और भीमा शंकर महादेव बाय रोड जाना चाहते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला है आप जो थाने कल्याण मुरबा गणेश किन जुन्नार तले से होते हुए तलेघर भीमा शंकर तक पहुंच सकते हैं। इस रोड की टोटल लंबाई 216 किलोमीटर की है। और दूसरा रास्ता है आप जो पनवेल खपोली लोनावाला से होते तलेगांव MIDC रोड से होते हुए आप अटगांव घोटावाड़ी तलेघर और फिर आप भीमा शंकर पहुँच सकते हैं। ये रास्ता टोटल 197 किलोमीटर का है। और एक और रास्ता है जो आप तलेगांव MIDC रोड के नाम लेकर थोड़ा आगे जाकर लगभग 1 किलोमीटर पर एक तलेगांव चाकन रोड है जो उस रास्ते को लेकर आप राजगुरु नगर चास फिर बुरसेवाड़ी तीफानवाड़ी तलेघर और फिर आप भीमा सिंह कर पहुँच सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। हमने जो रास्ता लिया हुआ है वो पनवेल लोनावाला तलेगांव MIDC रोड से होते हुए भीमा शंकर तक जाने का, ये रास्ता थोड़ा छोटा और पहाड़ों की वादियों से होते हुए निकलता है जो बहुत ही खूबसूरत है। तभी रास्ते में चलते चलते दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया जिसके लिए हम रुक गए। यहाँ से यार व्यू देखो आप, यहाँ एक लेक है और उस लेक के चारों तरफ एकदम हरियाली, शांत चिड़ियों की चुमचुमाती आवाज़, बहुत ही मन को शांत करने वाला एक प्लेस है। इसके लिए हमने रुक के सोचा कि थोड़ा यहाँ पर रुक के वेट थोड़ा आराम कर ले 2-5 मिनट, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। और भीमा शंकर जो मंदिर है भाई, अभी भी गूगल बाबा बता रहे हैं कि अभी भी 49 किलोमीटर है इस जगह से और अभी तक टोटल हमने 172 किलोमीटर की राइडिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से 2 मिनट रुकने के बाद आपको नज़ारे दिखाता हूँ यार, आपके दिल खुश हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से। ये भी तो पहाड़ी है, अपन जो है ना वैली के रास्ते निकल रहे हैं, मतलब पहाड़ों के बन करो घाटी वाले रास्तों से निकले। या दिस वन ऐसे ये रास्ता जाता है भीमा शंकर का।
बारिश बारिश की बूंदे है कि फॉग है चाचा? फॉग है। फॉग है यार, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा यार, दो मिनट में देखिए कैसे नज़ारा यहाँ का बदल गया। ये होता है जंगल की। अरे दो ढाई बजे इतना पॉजिटिव खुलता, इतना बहुत गाड़ी आ ही नहीं जा रहा है, वही चले गए। ये जंगलों की खूबसूरती, दो मिनट में यहाँ बारिश हो सकती है और दो मिनट में कितना जल्दी जल्दी यहाँ फॉग आ गया हमारे देखते ही देखते। सारे श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, ज़्यादातर जो फोर व्हीलर से आए हुए श्रद्धालु थे उनको पार्किंग में ही रोक दिया गया। सिर्फ बाइक वन बाइक की और दो पहिए गाड़ियों को ही सिर्फ आगे जाने दिया जा रहा है पार्किंग वन तक। तो बाकी ये जो फोर व्हीलर के थे श्रद्धालु, ये सब पैदल जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यार, भले 5 घंटे 6 घंटे हमने बाइक ड्राइव राइड की है यार, लेकिन उसके बाद ये नज़ारे देख के आपके सारे टेंशन सारी थकान दूर हो जाएगी। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। चलो सेफ पहुँचना जरूरी था, जरूरी नहीं है कि भाग के ही आना था। हमने बहुत ही आराम से ड्राइव की राइड की, इसीलिए 5 घंटे लग गए, लेकिन बहुत ही अच्छे से यहाँ तक पहुँच गए। और ये नज़ारे देखने के बाद आपके सारे सारी थकान दूर हो जाएगी। ये सब शिकायत करके वापस आती है, काम आगे हटा दीजिए। बोले बाबा जी, ऐसी छोटी छोटी कमेंट हरपिन जी के आते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत ना। चलो आखिर हम पहुंच गए भीमा शंकर, फाइनली हमारी ये राइड कंप्लीट हो रही है। हर हर महादेव। दो सौ 20 किलोमीटर की राइड होने के बाद आखिरकार हम यहां पहुंच गए हैं भीमा शंकर महादेव के दौर। और ठीक है, मेरे पीछे भीमा शंकर का महादेव के जाने का गेट है, तो चलते हैं फटाफट यहाँ से महादेव के दर्शन करने। शायद से अंदर भी लाइन हो काफ़ी। और ये है ठीक गेट, और हमारी रही ये बाइक, हमने यहाँ पे पार्किंग कर दी है, अब यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। भीमा शंकर महादेव के दर्शन अच्छे से हो गए, एक एक कर को अंदर सबको दर्शन कराया जा रहा था। और आप सभी को पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, ये जो पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही है एक्चुअली आती है सह्याद्री रेंज में, और सह्याद्री रेंज की पहाड़ियाँ हैं और भीमा शंकर महादेव यहाँ पे स्थापित है। भीमा शंकर के पीछे का ऐसा माना, हिंदू शिव महापुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक समय जब भीमा असुर कुंभकर्ण का पुत्र था, भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया उसके तत्पश्चात ही भीमा असुर का जो है जन्म हुआ था। जन्म के पश्चात जब उसे उसकी मां के द्वारा यह मालूम हुआ कि उसके पिता की हत्या प्रभु श्री राम ने की है, उसका बदला लेने के लिए तब भीमा ने कठोर तपस्या की श्री ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से वरदान पाकर उसने जो है सभी ऋषियों मुनियों और सभी मनुष्यों पर, यहाँ तक कि देवी देवताओं पर भी उसने कठोर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर देवी देवता महादेव के पास गया और उन्होंने उनसे विनती की कि प्रभु इसका कोई हल या निवारण करिए।
तब महादेव ने यहाँ पे आकर जो है भीमास असुर से जो है युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान जो महादेव के शरीर से पसीना निकला था, उस पसीने की बूंद से यहाँ जो भीमा नदी है उसका जो उद्गम स्थल बना। तो शंकर भगवान के पसीने के बूंद से जो है यहाँ का उद्गम स्थल, भीमा नदी का उद्गम स्थल है ऐसा माना जाता है। और फिर उसके बाद महादेव ने जो है भीमासुर का वध कर दिया। और तभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं पे स्थापित होइए। तब महादेव ने जी ने यहीं पे भीमा शंकर के नाम से यहाँ पर स्थापित हुए और उनकी पूजा प्रार्थना स्वीकार हुई। तो दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा हो यह ब्लॉग तो प्लीज़ यह वीडियो जब आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके आगे जो है सेम वही रूट है रिटर्न जाने का। तो ये ब्लॉग मैं यहीं से बंद करता हूँ और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बताना कि मुझे वीडियो कैसी लगी है। तो बाय बाय।